दोस्तों अगर आप भी धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी और बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई के मैदान में आज धोनी ने कदम रखते ही दो गेंदों पर दो ऐसे खतरनाक छक्के सैम करन को जड़े के देखकर जडेजा तो क्या हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। धोनी के दो गगनचुंबी छक्कों पर कैसे पूरे स्टेडियम में धोनी का नाम गूंज उठा। धोनी के दोस्तों ये बैक टू बैक दो गेंदों में दो छक्कों का वीडियो तो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धोनी कोहली और रोहित तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और सबसे बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों चेन्नई का मैदान हो और धोनी मैदान में ना आए तो दोस्तों मुकाबले का मजा फीका हो जाता है, लेकिन आज धोनी मैदान में आए भी केवल टॉस के लिए नहीं बल्कि बल्लेबाजी के लिए और कुछ ऐसा कारनामा कर गए कि इस आईपीएल के सीजन के अंत तक धोनी का वो कारनामा याद किया जाएगा, वो भी बार बार। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में दोस्तों आज चेन्नई और पंजाब की टीम आमने सामने है। ये मुकाबला जीतना दोनों ही टीमों के लिए बेहद ही जरूरी है, पॉइंट टेबल में बढ़त जो बनानी है। दोस्तों मुकाबला शुरू होता है और मुकाबले की शुरुआत से आज किस्मत धोनी का साथ दे रही थी। वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी में शुरुआत ऐसी कि पंजाबी गेंदबाजों ने अपना सर पकड़ लिया था। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे बड़ी खूबी से दोस्तों इस टीम की सलामी जोड़ी को संभालते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही इन दोनों ने किया। शुरुआती दौर में दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से खूब चौके व छक्के देखने को मिले, जिनमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 31 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्का जड़कर पूरे 37 रन ठोक डाले थे। उधर दोस्तों कॉनवे का तो क्या ही कहना, खिलाड़ी आउट हो रहे थे लेकिन कॉनवे के रन बढ़ते चले जा रहे थे। कॉनवे ने कितने रन बनाए वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इस खिलाड़ी ने दोस्तों पलक झपकते ही मात्र 26-27 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली थी। चेन्नई का पहला विकेट लेने के लिए 210वें ओवर तक इंतजार करना पड़ा पंजाब को और तब तक जो स्कोर था वो स्कोरबोर्ड पर 90 के पार जा चुका था। दोस्तों पहला विकेट गायकवाड़ का गिरा 37 रन पर, लेकिन डेवॉन कॉनवे आज अंबुजा सीमेंट के जोड़ की तरह मैदान से जुड़ चुके थे। सिकंदर रजा की गेंद पर दोस्तों आउट हो गए थे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन उसके बाद मैदान में आकर शिवम दुबे ने भी 17 गेंदों के अंदर 2 छक्के और चौका जड़कर बड़ी तेजी से 28 रन बना दिए थे। हालांकि दोस्तों जहां अब विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था तो वही डेवॉन कॉनवे 52 गेंदों में 16 चौके और 1 छक्का जड़कर अपने शतक के करीब 92 रन तक पहुंच गए। अफसोस क्रीज के दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिल पाया। आगे चलकर दोस्तों मोइन अली 10 रन और जड्डू 12 रन पर आउट हो गए। अंतिम ओवर चल रहे थे और कदम रखा मैदान में महेंद्र सिंह धोनी ने, और दोस्तों ये कदम कितना ज्यादा बड़ा था चलिए आपको बताते हैं। 200 पारी के 20वें ओवर में ही जडेजा का विकेट लेने वाले सैम करन से सामना करने के लिए धोनी आ गए थे। वैसे सैम करन वही स्टूडेंट हैं जो धोनी से ट्रेनिंग ले चुके हैं उनके स्कूल में, ये पहले चेन्नई का ही तो हिस्सा थे। खैर दोस्तों आगे की गेंदें डाली जाती हैं, धोनी दो गेंदों पर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन डर सैम करन में इतना था कि वो एक वाइड डाल देते हैं, बस फिर क्या होना था। धोनी पढ़ चुके थे सैमसन की गेंदबाजी को। अब दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद को एक स्लोअर शॉट गेंद में तब्दील किया आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए सैम करन ने, लेकिन धोनी तो धोनी है, उस्ताद है उनके, उनके हर पैंतरे को जानते हैं। धोनी ने भी दोस्तों पल्ला घुमाया, लेग साइड की तरफ से ऐसा खौफनाक छक्का जड़ा कि गेंद दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी, लंबाई 100 मीटर से ज्यादा। दोस्तों क्राउड धोनी का नाम चिल्लाकर पागल होता चला जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था अगली गेंद पर असली तोहफा मिलेगा। इस बार 200 डीप मिड विकेट की तरफ से धोनी ने एक और गोली शॉट खेला और गेंद तीसरे स्टैंड में जाकर गिरी, जिसके बाद ये भी सिक्स करार दिया गया। दोस्तों धोनी ने दो गेंदों में 2 छक्के जड़कर अब चेन्नई को पूरे 200 रन तक पहुंचा दिया था। 4 गेंदों में भले ही माही ने 13 रन लगाए, लेकिन 2 छक्के दिल जीतने वाले थे। इन सिक्सेस को देखकर दोस्तों जडेजा और साथ ही साथ धवन भी पूरी तरीके से दंग थे। खैर दोस्तों धोनी के छक्के देखने के लिए ही तो सब मैदान में आए थे। अब आप इस सिक्सेस को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।